तुम ठीक हो? रायन, तुम्हें क्या हो गया था? आ गए रायन। माया, ठीक हो ना तुम? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? जी मैं ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। लेकिन हुआ क्या था? रोका किसने था? मैं सब बताती हूँ। भी देखो, आई थिंक वी नीड टू गो टू द पुलिस स्टेशन, हमें रिपोर्ट करनी चाहिए। प्लीज रिलैक्स, आई एम फाइन। मैं गाड़ी यहीं छोड़ी हूँ, आपकी गाड़ी में चलते हैं। चलो। किस मुसीबत में फंसी हो तुम? और तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? ऑफिस के बाहर है सारा। क्यों? रायन और मुझे कुछ गुंडों ने पकड़ लिया था। What? क्यों? कैसे? Are you okay? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं। And your bag? नहीं लिया? रायन था ना मेरे साथ, उसको देख के भाग गए। रायन को देख के भाग गए? ये किस किस्म के डरपोक चोर थे ये? Just cut it out। तुमने कंप्लेन करवाई है पुलिस में? हाँ, और उनको फांसी भी हो गई है। मैंने बोला था इसे कंप्लेन कराने के लिए, इसीने मना कर दिया। इतनी सीरियस बात है और इसको मजाक सूझा हुआ है? तुम शुक्र करो रायान था, इसके साथ कुछ हुआ नहीं। इतनी हैपनिंग लाइफ तो प्राइम मिनिस्टर की भी नहीं होती। शुक्र है ये लड़का कुछ काम तो आया। Some more? और चाहिए ना? No, thank you. Good morning. Good morning. बी कहाँ है? आ रहे हैं, लेकिन ये तुम क्या कर रही हो? Breakfast बना रही हूँ। तुम? हाँ। Good morning. Good morning. बैठिए। Here you go. Thank you. माया? हम्म? All good? सब ठीक है ना? या, आप दोनों इतने सरप्राइज क्यों लग रहे हैं? किसी को और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, तुम आओ करो नाश्ता। माया, तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है कल रात? और मुझे कैसे एक्ट करना चाहिए? तैमूर को जब गन पॉइंट पे चोरों ने लूटा था तो दो दिन तक उसको बुखार हो गया था, घर से नहीं निकला था। True. अभी ताना खासा कुछ भी हो सकता था माया, तुम्हें बिल्कुल डर ही नहीं लगा? लेकिन कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ रायान था। वैसे आई एम थिंकिंग हफ्ते में एक आध दफा मुझे नाश्ता बना लेना चाहिए। आई एम नॉट दैट बैड, राइट? एग्जैक्टली, आई एग्री। चाय भी अच्छी बनाई हो।
सारा की बेल अप्रूव हुई है? मैम मैं चेक करता हूँ। मैं रायान कहाँ? पता नहीं, यही होगा। सही, चंगा जाना। मैम इसको साइन कर दो प्लीज। मैं बेल का चेक कर। तुम्हारे हाथ में चोट लगी हुई है, ये क्यों कर रहे हो? मैं ठीक हूँ। रायान कल रात को तुम कुछ कहे बगैर चले गए थे, मैं पूछना चाह रही थी तुम नाराज हो? हाँ, जिस तरह का सलूक कर रहे थे वो लोग आपसे, अगर आपको कुछ हो जाता तो अकल है आप में या नहीं? इसमें मेरी क्या गलती है? कोई आदमी आपको हाथ लगाएगा तो आप उसे लगाने देंगे? ये हाथ पांव दिए अल्लाह ने तो चलाएं। उसने तुम्हारे सर पे गन रखी हुई थी, मैं क्या करती? तो खुद को डिफेंड करना चाहिए था। हमारी यही प्रॉब्लम है, हम अपनी बेटियों को दुनिया की हर चीज सिखा देंगे लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या करना है ये नहीं बताएंगे। तुम लड़के हो ना, इसलिए ये बात कर रहे हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जूते उतारें। What? जूते उतारें। सोचे कोई आकर पीछे से आपको ऐसे पकड़ ले तो आप क्या करेंगे? ये लेफ्ट बाजू को नीचे खींचे, जोर का खींचे खींचे। अब स्पेस देके पेट में कोनी मारे। Are you serious? स्पेस देके पेट में कोनी मारे ऐसे। यस, नाउ मूव एंड पुश, मूव एंड पुश। Are you okay? That was good. फिर से करते, उड़े फिर से। 1 2 3 ऐसे कोनी एंड पुश। Are you okay? Sorry, sorry. अब एक और टेक्निक। मैं आके आ रहा हूं, मैं आपको गले से पकड़ूंगा, ठीक है? ये हाथ आपने यहां से लेकर जाना है और कोनी यहां, ठीक है? जोर से पकड़ूंगा। 1 2 3 ये सर? ये गुड। फिर से 1 2 3 ये। आई एम सॉरी, आर यू ओके? ये जल्दी फॉर में आए। ये गुड। साथी कहाँ तुम्हारा? हॉस्पिटल में है वो, 2 दिन वहीं रहेगा। 2 दिन? शुक्र करेंगे वो बच गया है और मैं भी। दोनों के मोबाइल, लड़के के हाथ का बैंड, वॉलेट, कुछ भी नहीं छीन सके तुम दोनों? छीन रहे थे हम लोग लेकिन उसने हमें मारना शुरू कर दिया। अगर इस बात का पहले पता होता कि वो इतना पागल लड़का है तो साले को इतनी गोलियां मारता कि बकवास करने की जरूरत नहीं है ना। एक काम ढंग से नहीं होता तुम दोनों से और बातें ऐसे करते हो जैसे। भाई उसने जिस तरह कूटा है हमें वो कोई हल्की चीज नहीं था। वैसे था कौन? पूरा दिन यहीं गुजारने का इरादा है क्या? अच्छी लगती है जगह मुझे, एक्सरसाइज करके अच्छा फील करता हूँ। हाँ, ऐसा लग भी रहा है कि तुम एक्सीडेंट से पहले भी एक्सरसाइज करती थी। हो सकता है।
कुछ याद आना शुरू हुआ तुम्हें? क्यों? डॉक्टर्स कह रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी, इसलिए पूछ रहा हूं। फिलहाल तो नहीं, एक्सीडेंट के अलावा सिर्फ वो वक्त याद है जब मैं भाग रहा था और अचानक माया की गाड़ी मेरे आगे आ गई। तुम भाग रहे थे? हाँ। किससे? पता नहीं। भागते हुए कोई वॉलेट गिरा था तुम्हारे पास? मुझे ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, आपको मेरा वॉलेट मिला है क्या? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूं। मैं चलता हूं, तुम कैरी ऑन करो। जी बिल्कुल, आप एक काम करें, आप मुझे थोड़ी देर दें, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके ओके मैम। जायरा के भाई राहिल का फोन था, वो कह रहा है कि जायरा के देवर को पता लग गया है कि आपने कोर्ट में केस फाइल किया है और जायरा को बेल मिलने वाली है। फिर? कुछ नहीं, वो सेटलमेंट चाहते हैं। उन्हें पता लग गया है कि ये केस माया मलिक लड़े हैं और आपके पास उनके खिलाफ इतने सबूत भी तो हैं। वो लोग कोर्ट जाने से डर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि वो मैम को नहीं खरीद सकते। मैम, ये तो अच्छी बात है ना। जायरा का शौहर जो प्रॉपर्टीज छोड़ के गया था, क्या उसे वापस मिल जाएगी? कोई अच्छी डील बना सकते हैं। हाँ, ठीक है, जायरा से बात करके देखते हैं, अगर वो सेटलमेंट पे राजी है तो व्हाई नॉट, उसके ससुराल वालों को फोन करके चेक कर लेते हैं। बट उसको उसका हक मिलना चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइजेस। 100% मैं राहिल से बात करता हूँ। जायरा उनको माफ करना चाहेगी? पता नहीं, जायरा से बात करके पता करना पड़ेगा मुझे। अगर वो राजी होती है तो व्हाई नॉट, मैं उसे रोकूंगी नहीं कोर्ट जाने से। क्या क्या बोले तूने? इसको क्या हुआ है? वकील को धमका रहे। Let me just see. वकील को धमका रहे तू? मैं लूंगा केस वापस। कैमरे ले वो, इधर थी, जो कर सकता है कर ले, यही मैं हूं। मैं समीर, क्या हो गया है? Out of all the people on this planet, Maya, you're the last person I want to talk. मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ, मैं मदद कर सकती हूँ तुम्हारी। ओह, तुम मेरी मदद करना चाहती हो? How sweet, Maya. Considering it was you जिसकी वजह से मैंने केस लिया, and it's you जिसकी वजह से now I have to watch everywhere I go. मेरी क्या गलती है? मेरी वजह से क्या मतलब? समीर, सारा मैं निकलने लगा हूँ यार, चीजें फाइनलाइज करनी है आज। कब तक वापस आओगे? यार मोस्ट प्रोबब्ली शाम तक ही आऊंगा, अब लॉयर से मिलना है, टेनेंसी एग्रीमेंट साइन होना है, दैट्स इट। तुम बताओ व्हाट्स अप। मैं सोच रही थी कि हम आज रात रायान को डिनर पे इनवाइट कर लें। रायान को? वजह? मिलना चाहती हूँ मैं उससे। यार राइट, मिलना चाहती हूँ मैं उससे। अब डरा मत देना बेचारे को। क्यों डराऊंगी मैं उसे? ये तो तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि क्यों डराओगी तुम उसे। मैं निकल रहा हूँ, I'll see you in the evening. मंगवाना है कुछ? No, I don't need anything. चलो, okay. Bye. Bye. दरवाजा बंद कर लो आके। Okay. Excuse me. जी सर। मैडम माया मलिक है, मुझे उनसे मिलना। जी मैं पता करती हूँ। Thank you.
हाँ सारा सुनो, मैं सोच रही थी कि हम रायान को आज रात डिनर पे इनवाइट कर लें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्यों? अरे क्या मसला हो रहा है सबको, मैं किसी को इनवाइट नहीं कर सकती? आई नो यू सारा, इसलिए पूछ रही हूँ। मैम इंस्पेक्टर जहांगीर आए हैं आपसे मिलने, बाहर वेट कर रहे हैं। सारा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। सुनो रयान को बता देना प्लीज, भूल नहीं जाना। हाँ हाँ बोल दूंगी, ओके बाय। वो क्यों आया? पता नहीं, आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, भेज दो अंदर। अस्सलाम वालेकुम मैडम आया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कोई काम था? मेरा ख्याल है कि अब हमें अपने ताल्लुकात बेहतर कर ही लेने चाहिए। अब देखिए ना, किस्मत बार बार मुझे खींच कर आपके सामने यूं लाकर खड़ा कर देती है, मैं क्या करूं? क्या काम है आपको? हाँ कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे। प्लीज। क्या व्यू है, वेरी नाइस। ऊंचाई पर आकर सब चीजें कितनी छोटी छोटी सी हो जाती है, नहीं? क्या शानदार ऑफिस है, मेरा ख्याल है कि सबको वकील बनना चाहिए। वो पैसे कमाती हैं, अब हमें देख लीजिए, पुलिस में भर्ती होकर क्या मिला? जो कुछ मर्जी कर लें, अपना खून पसीना बहा दें इस मुल्क के लिए, हमारे हिस्से में तो गालियां ही आती हैं। सारी वाह-वाह तो आप लोग ले जाते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं जरा बिजी हूं, अगर आप काम की बात करेंगे तो अच्छा होगा। हाँ पता नहीं, आपको देखते ही मैं सारे काम भूल सा जाता हूँ। अरे नहीं, हाँ याद आ गया, कुछ दिन पहले एक जर्नलिस्ट की लाश मिली थी। कब हुआ था उसका? जी सलमान सईद। हाँ आप जानती हैं उसे, क्यों नहीं जानेगी? जिस दिन उसका कत्ल हुआ उसके कॉल रिकॉर्ड में आपका नंबर था, जान सकता हूँ क्यों? जी मेरी बात हुई थी उस दिन उससे। अगर आप मुझे बता देंगे कि क्या बात हुई थी तो मेरा काम आसान हो जाएगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एक वकील हूं और सलमान सईद एक जर्नलिस्ट था, कॉन्फिडेंशियल बात है। कॉन्फिडेंशियल बातें नहीं बताएंगी आप? अगर आप नहीं बताना चाहती तो देख लीजिए, मैं कुछ भी रिपोर्ट बनाकर जमा करवा दूंगा, फिर ना कीजिएगा। दिस इज टू मच, मैं सलमान सईद को जानती भी नहीं हूं, कभी मिली भी नहीं उससे। तो फिर उसने आपको फोन क्यों किया था? मैडम आया बहुत काम है जिंदगी में मुझे, और भी कोर्ट कचहरी के चक्कर, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। पैसे लेकर कोर्ट जाने में और बगैर पैसों के कोर्ट जाने में बहुत जलालत है। वैसे कोई जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता था मुझे, दैट्स इट। क्या? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता चल सका, कोशिश की थी मैंने। किसी और का जिक्र किया था उसने? नहीं। सलमान के कत्ल के पीछे किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ, वो कोई भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ढूंढ निकालूंगा मैं उससे, चाहे इसके लिए मुझे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं। मेरा कार्ड, इस पर मेरा पर्सनल नंबर लिखा है, कोई भी बात पता चले तो मुझे बताइएगा। एक बार भरोसा करके तो देखिए मैडम आया, आपको मायूस नहीं होने दूंगा मैं, प्रॉमिस। अल्लाह हाफिज। हाय, क्या खा रहे हो? बर्गर। ओह नो थैंक यू। हम ज्यादा ना खा रहे ना, रात को तुम मेरे साथ खाने पे चल रहे हो मेरे घर। क्यों? सारा भी तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं उन चोरों को मार के मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। नहीं वो बात नहीं है, एंड एक्चुअली ये वजह भी नहीं है, वो पहले से तुमसे मिलना चाह रहे थे। कुछ प्रॉब्लम है? नहीं। ओके गुड, मुझे ऑफिस में थोड़ा सा काम है, फिर निकलते हैं, राइट? ओके।
निदा, दादी को तंग तो नहीं कर रही ना तुम? हाँ, हम तुम्हें रात को पिक कर लेंगे। खाना खा लेना प्लीज। ओके ओके बाय। सुनो या हम रायान से पूछेंगे क्या? उसे तो कुछ याद ही नहीं है। तो तुम क्या जानना चाहती हो उसके बारे में? कि वो पास में कैसा था या अब कैसा है? दोनों। यार पास में जैसा मर्जी हो, समय क्या फर्क पड़ता है? किसी को जानने के लिए उसका पास जानना बहुत जरूरी होता है तैमूर। यार लेकिन इंसान बदल भी तो सकता है ना। अब जस्ट अस्यूम, इमेजिन कि अगर मैं कोई बहुत बड़ा प्लेबॉय होता और मेरी कोई 10 गर्लफ्रेंड्स होती और तुमसे मिलने के बाद मैं तुम्हारे साथ सिंसियर हो जाता, तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट ना करती? प्लेबॉय और तुम? I'm just asking you to assume, imagine करने के लिए। Okay तैमूर, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हम उससे बात क्या करेंगे, that's all। यार अब अगर उसे अपना पास नहीं याद तो क्या फर्क पड़ता है? आ गए, let's go, चलो। चलो, एक मिनट ये मुझे जरा बोल में डालने दो please। Okay, almost done। बहुत अच्छा घर। थैंक यू, ये सब सारा ने किया बाय द वे। ओह देयर, हाँ दिस इज सारा, मेरी बड़ी बहन रायान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मैं माया से सिर्फ 2 साल बड़ी हूँ। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। मुझे खाने पे बुलाने के लिए थैंक यू। कोई जरूरत नहीं है थैंक यू बोलने की। हाय गाइस, क्या हाल है रायान? गुड टू सी यू मैन, व्हाट्स अप? दिस इज तैमूर, मेरे फेमस बी। और इससे पहले कि तुम कंफ्यूज हो कि ये बी क्या बला है, तो बी का मतलब है बेनोई। पता है इसे? गुड यार, चलो चल के बैठे। खाना रेडी? बिल्कुल रेडी है, 2 मिनट में सर्व कर। ओके। यार आयान, आई एम सो सॉरी यार, मुझे बिल्कुल पता नहीं था तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तो आई होप यू लाइक इट। खाना बहुत अच्छा है। थैंक्स। द लज़ानिया इज सो गुड। वाओ रायान, तुम्हें पता है बी अपना नया रेस्टोरेंट खोलने लगे? भाई मेरे पास तुम लोगों के लिए न्यूज़ है, जगह डन हो गई है, मेरा पुराना जितना स्टाफ था वो मेरे साथ काम करने पे तैयार हो गया है, और इंशाल्लाह इन अदर मंथ और सो विल बी ओपनिंग अप। इंशाल्लाह, दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। कांग्रेचुलेशंस। अरे थैंक्स यार, लेकिन रायान ओपनिंग में तुमने जरूर आना है। ओके जरूर। रायान तुम्हें पहले का कुछ भी याद नहीं है ना? आई मीन नथिंग। एक्सीडेंट से पहले का वक्त मेरे जहन में गुम हो चुका है। तो जब तुम याद करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है? आई मीन फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी फैमिली, यानी वालिद, वालदा या बहन, कोई इमेजेस सामने आते हैं? सारा नहीं, ऐसे लगता है जैसे वो वक्त मैंने कभी देखा ही ना। मैं जानता हूं वक्त याद करके मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन फिर भी चाहता हूं कि वो वक्त मेरे सामने आ जाए। तुम्हें अजीब नहीं लगता कि तुम्हें किसी ने ढूंढने की भी कोशिश नहीं की? आई मीन यू मस्ट हैव फ्रेंड्स, हैरत की बात नहीं है? हैरत से ज्यादा अफसोस की बात है कि कोई मुझे याद नहीं करता। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई तुम्हें ढूंढ रहा हो लेकिन गलत जगह पर। एग्जैक्टली भाई, अगर मेरा कोई तुम्हारे जैसा दोस्त होता ना, तो मैं ना सिर्फ उसे मिस करता बल्कि ढूंढता भी। सारा क्या हो गया तुम्हें? मुझे क्या हो गया? ये कैसे सवाल पूछ रहे हो तुम उससे? अगर उससे सवाल नहीं पूछूंगी तो उसे जानूंगी कैसे? या तो कोई नॉर्मल सवाल कर लो। क्या नॉर्मल सवाल? तुम्हारी ऑफिस में रहता है, उसका कोई फैमिली मेंबर जिंदा नहीं है, उसे याद नहीं है कि वो करता क्या था, क्या पूछूं मैं उससे? ठीक है मत पूछो, एटलीस्ट उसे इंटेरोगेट तो मत करो। माया तुमने सोचा है कि तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती? वो कहाँ रहता है,
What if he's married? क्या? So what? क्या हुआ कि इसकी शादी हुई भी है? मुझसे फजूल बातें नहीं करो, मुझे सब नजर आ रहा है क्या हो रहा है, मैं अंधी नहीं हूँ. Can you please be nice? बस बहुत है क्या? बस. Here you go, यार. Tamur. Yep. More. Thank you. Here you go. भाई आपने बनाया? अरे नहीं भाई, ये डिजर्ट जो है ना, ये मेरी बेगम की स्पेशलिटी है. सारा मीठे की माहिर है. बहुत अच्छा. थैंक यू. सारा गुड जॉब यार. थैंक्स. सो रयान, आई हैव वन मोर क्वेश्चन. जी पूछे. तुम्हें क्या लगता है, इंसान बदल सकता है या इंसान वैसा ही रहता है जैसे वो हमेशा से था? सारे किस किस्म का सवाल है. मुझे नहीं लगता इंसान बदल सकता है. Really? क्यों? इंसान की फितरत कभी बदलती नहीं है. I disagree. तुम इंस्पेक्टर जांगिर को जानती हो ना? आज जो मेरे ऑफिस आया था, तुम्हें पता किस किस्म का बंदा है? और आज इतनी तमीज से मुझसे बात कर रहा था. I was so surprised. इसीलिए मुझे लगता है कि लोग बदल सकते हैं. But then again, it's Inspector Jangir. You never know. ये भी तो हो सकता है कि उनमें अच्छाई हमेशा से थी और हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया बुरा बनने में. Actually, point है इसका वैसे. देखा, मैं यही कहना चाह रही थी. थैंक यू रायान, बिल्कुल सही कहा आपने. इसी बात से रायान को और डिजर्व. हाँ यार, बनता है इस पे तो बनता है. ये लो यार. नहीं नहीं नहीं, चुप चाप. वॉशरूम दिखाती हूँ आपको, उधर आ जाओ. कैसा लगा रायान? अच्छा लड़का है रायान, लेकिन लेकिन क्या माया, वो तुम्हें पसंद करता है? ऐसा कुछ भी नहीं है सारा. माया मुझे बेवकूफ मत समझो, बहुत ही क्लियर है वो तुम्हें पसंद करता है. हर एक सेकंड के बाद वो तुम्हें देख रहा था और तुम्हारी हर बात पे वो मुस्कुरा रहा था. तुम्हें नजर नहीं आ रही? अव्वल तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो इसमें कोई बुराई है? माया तुम रयान को जानती नहीं, बल्कि वो खुद को नहीं जानता. तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही? तुम ही ने कहा था ना कि वो एक अच्छा इंसान है. एंड आई ऑनेस्टली जस्ट थिंक कि मैंने उसकी जान बचाई है, इसलिए ही जस्ट रिस्पेक्ट्स मी, दैट्स ऑल. और कुछ नहीं है. तुम्हें भी वो पसंद है? What are you mad? ऐसा कुछ भी नहीं है, फजूल बातें मत करो, मैं जा रही हूं. Thank you.
क्योंकि मैं ग्रीन हूं।